तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? एकदम मज़े में सब भाई। तो आ चुका है तुम्हारा भाई एक और ब्रांड न्यू मिथ वाली वीडियो लेकर। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे भाई जो पबजी न्यू स्टेट एंड्रॉयड गेम है ना, आपको पता कि प्ले स्टोर पर आ चुकी है, बट कई लोगों को पता नहीं होगा भाई इसमें भाई मिथ कितने हैं एंड मिथ भी कह सकते हैं एंड ग्लिचिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और जो आपको चीज़ पता हुई नहीं है वो भी हम दिखाएंगे, मतलब कि ठीक है, जिस चीज़ को पता नहीं है। तो चलो भाई, ज़्यादा बातें ना करते, बस वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले बस सब छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, बस वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। ठीक है, जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को गाइस कर दो सब्सक्राइब, दबा के कर दो गाइस। ठीक है, आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करो, नोटिफिकेशन ऑल पर रखो ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँच रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पहला मिथ निकल के आता है ये भाई, किसी ने कमेंट किया तो भाई चलो इनकी भाई कमेंट पढ़ते हैं आज भी एंड देखते हैं कौन सा मिथ लिखा है इन्होंने। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये मिथ है भाई, इन्वेंट्री में जाओ, लास्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, चिकन मेडल को सिलेक्ट करो, उसके पीछे विनर विनर चिकन डिनर लिखा होगा। तो भाई चलो चेक करते हैं लिखा है कि नहीं। तो ये हम इन्वेंट्री में आ गए भाई, अब देखते हैं इसमें अपन चिकन डिनर लिखा है कि नहीं, कहाँ पर है हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन। तो चलो लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये लास्ट वाले हम ऑप्शन पर आ गए। अब देखते हैं यहाँ पर ये मेडल सेलेक्ट करके इसके पीछे देखते हैं क्या लिखा है कि नहीं। अब इसको घुमा के देखते हैं क्या लिखा है इसके पीछे। तो यस गाइस, आप देख सकते हो इसके पीछे लिखा है विनर विनर चिकन डिनर। तो ये आपको चीज़ पहले पता थी कि नहीं पता थी, तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एंड गाइस आप भी अपने मिथ जो आपके आपके पास है, तो आप भी अपने मिथ जो अपने स्टीम पर शो करवाना चाहते हैं, मतलब कि मेरी वीडियो पर शो करवाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपके मिथ लगाऊं, तो आप भी अपने मिथ की कमेंट भाई मेरे कमेंट बॉक्स में करो। ठीक है, जितने आपके पास मिथ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करो। ठीक है, तो मैं आपकी अगली वीडियो में अपने आपके मिथ लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। अगला मिथ कौन सा है देखते हैं। तो ये मिथ है भाई, अगर आपका गेम लैंडिंग के स्टार्टिंग में अगर लैग हो जाता है और आप किसी भी कंटेनर पे चढ़ने की कोशिश करते हो, तो आप उस कंटेनर पे कंटेनर के अंदर चले जाओगे और निकलोगे नहीं। तो चलिए भाई चेक करते हैं इसको भी। तो चलो हम उतरे हैं भाई जॉर्जो पूल में एंड यहाँ पर हमारी गेम लैग हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो देखते हैं कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे लैग के टाइम ही। अब देखते हैं यहाँ पर मतलब कि कंटेनर के अंदर ही मतलब कि रुकते हैं कि नहीं रुकते। तो यहाँ पर ढूंढते हैं यहाँ पर चढ़ने की जगह। तो ये हमें चढ़ने की जगह मिल गया, इस पर चढ़ते हैं। ओ भाई, तो आप देख सकते हो भाई मैं कंटेनर के अंदर फंस गया हूँ एंड यहाँ से निकलने की बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट यहाँ से निकल नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो मतलब कि ये मिथ कन्फर्म है भाई। ठीक है, तो चलिए आपको ये कमेंट ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मिथ कैसा लगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। तो चलिए भाई, तो ये मिथ है भाई, अगर आप किसी कार के पास खड़े हो और उस कार की विंडोज़ ओपन करने की ट्राई करोगे, तो वो विंडो तब तक नहीं खुलेगी और बंद होगी जब तक आप पीछे नहीं हट जाते। तो चलिए भाई इस मिथ को भी चेक करते हैं। तो चलिए कार ढूंढते हैं, तो हमें ये कार मिल चुकी है, गाड़ी मिल चुकी है एंड चलिए देखते हैं भाई इसकी विंडोज़ को ओपन करके एंड क्लोज़ करके क्या भाई ये मिथ कन्फर्म है कि नहीं। तो इसकी विंडोज़ ओपन करते हैं, देखिए आधी खुली है विंडो एंड थोड़ा पीछे हटते हैं। ओ भाई देखिए, ये तो कन्फर्म है, पहले मिथ तो कन्फर्म है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं एंड देन अब देखो इसको विंडो को क्लोज़ करते हैं अब। तो यस भाई, अब ये विंडो तब तक नहीं लग रही जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, थोड़ा पीछे हट के मतलब इसे जैसे ही बंद करूँगा देखो अब। यस भाई, तो ये मिथ कन्फर्म है भाई। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ, कौन सा मिथ है निकल के आता अब। तो ये मिथ है भाई, पबजी न्यू स्टेट में जब भी आप स्मोक करोगे तो आपको स्मोक के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा एंड आप जैसे ही स्मोक के अंदर आओगे तो आपको दिखने लगेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, चलो देखते हैं। तो चलिए स्मोक करते हैं एंड देखते हैं हमको बाहर से मतलब कि दिखता है कि नहीं एंड अंदर जाकर स्मोक के अंदर जैसे एंटर होते हैं तो क्या दिखता है। तो चलिए भाई स्मोक करते हैं पहले। तो ये स्मोक कर दिया हमने एक, अभी एक और कर देते हैं।
चलिए भाई स्मोक के अंदर एंटर होते हैं, देखते हैं क्या दिखता है कि नहीं। तो यस भाई आप देख सकते हो मुझे कुछ नहीं दिख रहा बाहर से, ठीक है, ओनली स्मोक स्मोक दिख रहा है, ठीक है, अंदर मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा। और थोड़ा सा स्मोक के अंदर एंटर होते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यस भाई आप देख सकते हो, आप जब भी स्मोक के अंदर मतलब कि एंटर करोगे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में एंटर करोगे स्मोक के, तो आपको मतलब कि थोड़ा सा दिखने लगेगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये मिथ कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ, कौन सा मिथ है निकल के आता है अब। तो ये मिथ है भाई, तुम अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो अगर नॉक हो जाते हो तो सामने वाला एनिमी आपको रिवाइव दे सकता है और आप उसकी टीम में चले जाओगे। तो चलिए भाई चेक करते हैं इसको भी। तो चलिए यहाँ पर फायरिंग हो रही है, अब देखते हैं यहाँ पर मतलब कि बंदों को किल करके अपन नॉक होते हैं कि नहीं होते, एंड देखते हैं क्या वो बंदा मतलब कि एनिमी सामने वाला एनिमी अपन को रिवाइव दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर भाई रिवाइव दे दिया तो ये मिथ कन्फर्म है, एंड अगर नहीं दे पाया तो भाई ये मिथ फेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लूटिंग हो रही है, इन बंदों को पहले नॉक कर दें, दो बंदे तीन बंदे हैं यहाँ पर, थ्री वर्सेस गॉड, वन वी थ्री कर देखते हैं होता कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले मैं दो एनिमी नॉक कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाले जो एनिमी बचेगा उससे हमें रिवाइव होंगे, ठीक है। नहीं तो अगर भाई तीनों ने हमें किक फेल दिया तो भाई ये मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर है ना, अपन दो पहले तो दो को नॉक करते हैं, ये दो को नॉक कर दिया, अब ये लास्ट वाला एनिमी बचता है इससे नॉक होते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई इसको थोड़ा सा डैमेज देते पहले, ठीक है। तो आप भाई यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर नॉक हो चुका हूँ, कहने के लिए मैं यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो सोलो बंदा कभी नॉक होता नहीं है पबजी में वैसे, ठीक है, एंड पबजी न्यू स्टेट में यहाँ पर नॉक हो चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये सामने वाला एनिमी अपन को रिवाइव दे पाता है कि नहीं दे पाता, ठीक है। तो इसका एक नया एनिमी नॉक मतलब कि किल हो चुका पूरा, अब ये अपन को रिवाइव दे सकता कि नहीं दे सकता, देखते हैं क्या देगा, कि अपन को रिवाइव नहीं देगा। ओ भाई ये देखिए, ये सामने वाला एनिमी अपन को रिवाइव दे रहा है, तो अब देखते हैं ये हम इसकी टीम में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि किसकी सोलो ही रहेंगे, अब देखते हैं। ओ भाई अपन हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो मतलब कि देखो इसकी मैं टीम में आ चुका हूँ, और ऑलरेडी इसके टीम में भाई इसने दो बंदों को और रिवाइव दिया था, तो इसके टोटल छः बंदे हो चुके हैं भाई, ठीक है। वैसे चार की स्क्वाड होती है, अब देख सकते हो आप छः बंदे हैं मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये मतलब कि काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है, आप अगर किसी एनिमी को नॉक करते हो तो आप उनकी टीम में जा सकते हो एंड उसको भी रिवाइव दे सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये मिथ वाली वीडियो बढ़िया लगी हो, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके में मिथ है ना अपने में वीडियो में शो करवाऊँ, तो आपको बस करना कुछ नहीं है, बस कमेंट करनी है, ठीक है, आपके पास कौन से मिथ हैं, बस अपनी मिथ वाली कमेंट कर दो, ठीक है। एंड अगली वीडियो में जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा मिथ वाली, तो आपकी कमेंट करना, मिथ वाले कमेंट मैं अपनी वीडियो में शो कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, टेक केयर।